नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी मिर्जापुर पोस्ट ऑफिस के पास नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 50वीं ब्रांच का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि विधायक रामकेश मीणा, विशिष्ट अतिथि तहसीलदार ज्ञानचंद जयमन, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कालूराम मीणा व कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनी समाज के जिलाध्यक्ष गहलोत ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक CL सैनी द्वारा की गई। इस अवसर पर अतिथियों को माला व साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट किया। साथ ही नामदेव फिनवेस्ट कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र तंवर को गंगापुर वासियों की ओर से सम्मानित किया गया। नामदेव फिनवेस्ट कंपनी के उद्घाटन के सुअवसर पर डायरेक्टर जितेंद्र तंवर ने कहा कि महिलाएं एवं सरकारी कार्मिकों को 30 जुलाई 2022 तक ब्याज में विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही कंपनी के बारे में उपस्थित लोगों को संक्षिप्त जानकारी दी। शुभारंभ के इस पावन अवसर पर सैनी समाज के जिला अध्यक्ष CL सैनी के 63वां जन्मदिन भी केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। आइए देखते हैं उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां। टीम से अनुरोध है विधायक महोदय को से सम्मान प्रदान करें कि नाम भारतवर्ष में अपनी शाखाओं के रूप में फैलता जाए। बहुत नए आयाम यहां गंगापुर सिटी में कर लिया है, जोरदार। मैं कोविड काल से लेकर के और अब तक सामान्य लगे सामान्य से मुकेश जी तिहाद सर का सैनी समाज के जिला अध्यक्ष CL सैनी के 63वें जन्मदिन की कुछ झलकियां। हमारी कंपनी की 50वीं शाखा का भव्य शुभारंभ है। चार राज्य में हमारा ऑफिस है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और पंजाब। बहुत ही जल्द इसी महीने हम मध्य प्रदेश में भी हमारी 5 शाखाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और 50वीं शाखा आपके यहाँ गंगापुर में शुरुआत की गई है आज आप सभी लोगों की सहायता से। जैसा कि आपको पता है कि CL सैनी सर को मैं जानता हूँ और इनकी बदौलत मैं आज आप सब लोगों के सामने बना हूँ और जो भी बना हूँ मैं उनकी बदौलत में। और जैसा कि फाइनेंस कंपनी हमारी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड है, ये कंपनी मैंने 2013 में शुरू की थी और आज पूरे संपूर्ण भारत में 50 शाखा खोली हो चुकी है और साथ में 600 से 1000 लोग हमारी विभिन्न शाखाओं पर कार्य करते हैं। और उसी प्रकार से गंगापुर से भी काफ़ी लोग हमारी शाखा से जुड़े हैं और हम उनको भी रोजगार प्रदान करेंगे।